Welcome to Simply Lakshmi's Life. ओके, तो मैंने अभी गैस स्टोव को क्लीन कर लिया है। मेरे पास एक छोटा वाला चूल्हा है, मतलब एक गैस स्टोव है, बट उससे नहीं होता है। जन्माष्टमी के टाइम तो मैं लड्डू वगैरह बनाती हूँ, तो उससे हो जाता है थोड़ा सा सूजी वगैरह। तो अभी मैंने इसको पूरा क्लीन कर लिया है और यहाँ का जितना सामान था सारा कुछ मैंने हटा दिया है, क्योंकि यहाँ पे मैं सारा सामान रखने वाली हूँ। तो चलिए, तो मैंने गैस स्टोव को क्लीन कर लिया है और ये सारा सामान मैंने यहाँ पे रख दिया है जो मुझे चाहिए। जैसे यहाँ पे सारे वेजिटेबल वगैरह है जो कुकिंग के लिए मुझे चाहिए, और यहाँ पे सारे मसाले वगैरह है। ये बोड़ी है, जीरा, धनिया, कलौंची मतलब कालो जीरा, दाल, सूजी, सारा कुछ है। और यहाँ पे कढ़ाई जिसमें मुझे कुकिंग करना है, ये इसको मैंने यहाँ पे रख दिया है। छुरी मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा ये एक्चुअली फ्रूट्स वगैरह काटने के लिए ही है, तो इसको मैं क्या करती हूँ, आग में भी थोड़ा सा लगा लेती हूँ। तो हमारा यहाँ कहा जाता है कि आग से अगर थोड़ा सा इसको टच कर दो तो ये एकदम से पूजा में यूज़ करने लायक हो जाता है। तो ये और बेलन चक्की, तो सारा कुछ मैंने यहाँ पे ले लिया है। और उस कॉर्नर पे जितना सारा सामान था सारा कुछ मैंने यहाँ पे रख दिया है इस साइड पे। सो वो जगह थोड़ा सा स्पेस थोड़ा निकल गया है, मुझे कुकिंग करने में इजी होगी। और ये फ्लावर लगाने में कृति मुझे मदद कर रही है, और खुद देखो ने एक तो दे एक ले लो, ये वाला ले लो। तो यहाँ पे मैंने फ्लावर को डाला है, और ये जो चादर है ना, ये मैंने अपनी फ्रेंड से लिया था। तो ऐसा होता है जो नया वाला चादर रहता है ना, वही मैं पूजा के टाइम बिछा देती हूँ। और ऊपर का जो ये चादर है, ये एक्चुअली हैंडमेड है, मेरी मम्मी ने बनाया है। सो येलो कलर है, तो पूजा के लिए भी यूज होता है। जब भी कोई पूजा होता है तब मैं इसको ऊपर में बिछाती हूँ। ओके, तो कृति ने बनाया है लक्ष्मी जी की एक ड्रॉइंग, दिखाओ। हाँ। सुबह उसने ये बनाई है लक्ष्मी जी। तो चेंज करे नाओ, हाँ साजू गुजू करे नाओ, তারপরে মিষ্টি প্রসাদ খাবে, ঠিক আছে? কি পরবে? নিউ ড্রেস? চল। কৃতি কো মে ইয়ে ওয়ালা ড্রেস ট্রাই কর রহি থি। ये वाला जो लहंगा है ना, ये मेरा लहंगा है। मैं जब 6 या 7 ईयर्स की थी, मेरी मामा ने मुझे दिया था। मेरा बहुत शौक था इस टाइप का लहंगा, तो मामा ने मुझे पूजा के टाइम शायद दिया था, और ये मैंने संभाल के रख दिए थे, मतलब मामा की निशानी थी ये मेरी। तो ये अभी कृति को आ रहा है, बट ऊपर का जो ब्लाउज है ये बहुत बड़ा हो रहा है कृति के लिए। नीचे वाला जो स्कर्ट है ना, ये परफेक्ट हो गया है अभी के लिए, बट ऊपर का थोड़ा सा बड़ा। हाँ। तो मैं नहीं पहनूंगी ना एटा नेक्स्ट ईयर। हाँ। किंतु नीचे टा नेक्स्ट ईयर होबे ना, ऊपर टा नेक्स्ट ईयर होबे। एटा ये थोड़ा सा बड़ा है। हाँ। इस टाइप का लहंगा ना उस टाइम में बहुत चलता था, बहुत ज्यादा। ऐसे इसके ये कलर रेड होता था, ब्लू होता था, ग्रीन होता था।
चलिए। और ये अभी जस्ट पूजा कंप्लीट हुआ है, अभी प्रसाद खाने का पाला। कृति तब से वेट कर रही है कि कब वो प्रसाद खाएगी, है ना? हाँ। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, अभी अतनु आ रहा है अपना न्यू गेटअप के साथ। तो ये रहा अतनु। चलो मैं कैमरा घुमा के एक बार दिखा देती हूँ। अतनु ने धोती भी पहना है। सो आज का पुरोहित तो अतनु है। यस, है ना? एकदम। सो कैसा लग रहा है? मॉडर्न मॉडर्न नहीं, आपने पूरा किया है ना, नीचे धोती भी पहना है। धोती तो है, धोती भी पहना है। कृति को मैंने बहुत पहले रेडी किया था, बस उसने अपना हालत जब मैं छोटी थी तब भी पहनती थी, मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था। हाँ, ये उसको पैंट के कारण अच्छा नहीं लगता है, बट आज उसने पहन लिया। गुड गर्ल। हैप्पी लक्ष्मी पूजा। ओके, तो आज है लक्ष्मी पूजा। हर साल शरद पूर्णिमा के दिन हमारे बंगालीज में कोजागोडी लक्ष्मी पूजा होता है, और ये पूजा मतलब आज ही के दिन हम लोग धूमधाम से लक्ष्मी पूजा करते हैं। और हाँ, जो मेरे ओल्ड फ्रेंड है, जो मेरे पुराने फ्रेंड है, उनको तो पता ही है, क्योंकि लास्ट ईयर भी मैंने शेयर किया था कि मैं किस तरह से लक्ष्मी जी की पूजा करती हूँ। तो हर साल हम लोग करते हैं। ये जो कोजागोडी लक्ष्मी पूजा होता है, ये मैं इस तरह से पूजा करती हूँ। लास्ट ईयर मैंने शेयर किया था कि किस तरह से मैं पूजा करती हूँ। जैसे मैं हर थर्सडे को पूजा करती हूँ ना, उसी तरह से मैं आज ही के दिन भी पूजा करती हूँ। मतलब मन की जो भक्ति श्रद्धा रख के मैं पूजा करती हूँ। मुझे कोई मतलब इतना ज्यादा नियम नहीं पता है, बट मैं मन से लक्ष्मी जी को प्रणाम करती हूँ, पूजा करती हूँ उनकी। और ये जो दिया जलाया जाता है ना, ये पूरी रात जलना होता है। हाँ, तो रात भर जलना होता है। तो यही एक नियम रहता है इनका। और साथ में भोग, कुछ भी आप भोग प्रसाद ये सब रखो, तो माँ इसी से खुश हो जाते हैं, कभी प्रसाद खाएंगे। और कृति को लग गई है भूख, लूची खाना। कृति को लूची खाना है, प्रसाद। वो तब से बोल रही है मम्मा ये लूची, हाँ मम्मा ये लूची क्या हम खा सकते, मतलब पूरी को बोल रहे हैं कि मम्मा मैं यहाँ पूरी खा सकती हूँ क्या? और वो बोल रही है मम्मा मेरा एक ड्रीम है। मैंने बोला क्या? मैं यहाँ पर काम कर रही थी तो उसने बोला मम्मा मेरा एक ड्रीम है। क्या ड्रीम है? मैं वो डायमंड शेप का स्वीट खाऊंगी, मतलब काजू बर्फी। हाँ, काजू बर्फी उसको खाना है, वो उसका ड्रीम है आज का। चलो आपका ड्रीम पूरा कर देते हैं। ओके, तो चलिए लक्ष्मी माता को भी गुड नाइट बोलते हैं। और इस घर का लाइट आज पूरा जलेगा, और लाइट ऑन ही रहेगा। और ये जो दिया होता है ना, इसको जला के रखना होता है रात भर, तो इसीलिए थोड़ा सा घी डाल दिया है। और आज का लक्ष्मी पूजा का जो रंगोली है, वो आप लोग गेस करो कि किसने दिया है। और ये काफी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने तो नहीं दिया है, तो आप लोग गेस करोगे किसने बनाया है ये। किचन को मैंने क्लीन कर दिया है, और बर्तन जो था भगवान का, मतलब भोग बनाने का, वो थोड़ा बहुत मैंने क्लीन कर दिया है। और बाकी बर्तन सारा मैंने बाहर रखा है आज। और ये जगह मैं सुबह ठीक ठाक करूँगी, ये जैसे है वैसे रहने दीजिए, वो सारे सामान तो इधर ही रहे। और शायद मैं आज ज़्यादा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई, जितना हो सके मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। ओके, तो चलिए आज का ये जो ब्लॉग है, इसको हम लोग यही पेंट करेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो क्या करना है? लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। यस, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और कृति का ड्रेस कैसा लगा? हाँ, ये ऑलरेडी एक बार शेयर किया था, किस दिन? महालया के दिन, महालया के दिन वो पहनी थी, और उसके बाद से ये ड्रेस उसको बहुत पसंद आता है ना। अच्छा लगता है ड्रेस? तो या उसका मतलब बहुत अच्छा ड्रेस है, तो वो हमेशा पहनेगी, है ना? हाँ। कोई भी स्पेसिफिक फंक्शन रहा है तो वो पहनेगी, मॉल जाएगी पहनेगी। नहीं नहीं। उसको पता है, ये आता है, मतलब एथनिक वेयर है ना, है ना?
ओके ओके, तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का ये व्लॉग यही एंड करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड बी सेफ।